हेलो डियर बालक एस्पिरेंट्स, अ वेरी ग्रेट न्यूज फॉर यू। बहुत अच्छी खबर आई है। जो बार्क एग्जाम है, जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होने वाला था, उसका स्लॉट बुकिंग जो है वो ओपन हो चुका है। जल्दी से जल्दी बार्क की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके आप अपने एग्जाम का स्लॉट बुक कीजिए। वेरी फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि जिन लोगों ने बार्क का एग्जाम ऑलरेडी दे रखा है, वो लोग फिर से इस एग्जाम को अपीयर नहीं हो पाएंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने ये बात कही थी, फिर एक बार मैं कह रहा हूं, ये एग्जाम वही लोग दे सकते हैं पिछली बार जिनका एडमिट कार्ड जनरेट हो चुका था लेकिन वो एग्जाम नहीं दे पाए। उन्हीं स्टूडेंट्स को ये सप्लीमेंट्री एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। तो अब इसके अंदर आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहले आपको बार्क की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको अलग अलग यहां पर चीजें दिखेंगी। सबसे पहले आप देख सकते हो ये स्लॉट बुकिंग फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यू विल बी रिडायरेक्टेड टू दिस पेज, या फिर यहां पर आप देख सकते हो क्लिक हियर, इसके ऊपर क्लिक करो या क्लिक हियर, इन तीनों में से किसी भी एक जगह पर आप क्लिक करो, आप सेम पेज पे आओगे, इस पेज पे आओगे। क्लियर? तो यहां पर देख सकते हो क्या कहा है कि स्लॉट बुकिंग फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम इज ओपन नाउ, क्लिक हियर टू बुक योर एग्जाम स्लॉट एंड टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। स्लॉट बुकिंग जो है उसकी क्लोजिंग डेट है 9:30 AM ऑफ 24th October 2020। मैं कह रहा हूं अगर आप स्मार्ट हो, आप अभी के अभी इस स्लॉट को बुक करिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में अगर आपने स्लॉट बुक करने की सोची तो हो सकता है कि कोविड पैंडेमिक की सिचुएशन के अंदर आपको एग्जाम देने के लिए बहुत दूर जाना पड़े, हो सकता है कि एक स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में भी जाना पड़े। यूजुअली बार्क एग्जाम के साथ ये होता रहता है। तो जितने जल्दी आप स्लॉट बुकिंग करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्लियर? कुछ नहीं करना है। सपोज आपने इस जगह पर क्लिक कर दिया तो यहां पर आगे आएंगे तो जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको फॉर्म भरते टाइम आपका जो जनरेट हुआ था उसी को यहां पर डालना है और लॉग इन करना है। लॉगिन करने के लिए अलग अलग टेस्ट सेंटर आएंगे, वहां पर क्लियरली जो टेस्ट सेंटर आपको आपके घर से बहुत पास होगा, या इन अदर वर्ड्स जहां पर आप टाइम पे पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि कोई टेस्ट सेंटर आपके घर के पास है लेकिन वहां पर जाने की कोई फैसिलिटी नहीं है, और हो सकता है कोई एक टेस्ट सेंटर थोड़ा सा दूर है लेकिन वहां पर आप आराम से जा सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए कि जिस एग्जाम सेंटर पे आप जल्दी से और अच्छे से आराम से पहुंच सकते हैं ऐसा टेस्ट सेंटर आप चूज करिए। क्लियर है? ताकि आपको वहां पर कोई परेशानी ना हो। तो जैसे आप कोई टेस्ट सेंटर चूज करते हो, ऐसा नो, तो उसके बाद आप अगर सबमिट करते हो तो इमीडिएटली आपका एडमिट कार्ड जनरेट होता है। एडमिट कार्ड आपका जनरेट हो गया तो एग्जाम में, बता रहा हूं आपको, एग्जाम जो है वो 2 बजे से 4 बजे तक है, 2 घंटे की एग्जाम होती है। लेकिन ये एग्जाम है कब? तो एग्जाम है 31st October को, यानी कि कुछ ही दिन बचे हैं यहां पर एग्जाम के लिए। तो 31st October को होगा बार्क का सप्लीमेंट्री एग्जाम। तो जिन स्टूडेंट ने पहले एग्जाम नहीं दिया था उन स्टूडेंट के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब इट, क्योंकि इतना टाइम आपको मिला है पढ़ने के लिए और आप अच्छे से इस एग्जाम के अंदर स्कोर कर सकते हो। क्लियर यहां तक? सो आईएफएस के अगर बार्क रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हो बहुत सारे रिजल्ट, मतलब एक तो बार्क में बहुत लिमिटेड सीट्स होती है, उन लिमिटेड सीट्स में भी 40-50% स्टूडेंट जो है वो बार्क के होते हैं, आईएफएस के होते हैं बार्क के अंदर। तो ये हमारे रिजल्ट से बार्क के। इसी तरीके से अगर आपको बार्क के लिए पढ़ना है तो आप आईएफएस के साथ जुड़ सकते हो। ठीक है? सो इस वीडियो के अंदर ये ही बातें, बार्क से रिलेटेड
कुछ भी क्वेरीज अगर आपको हो तो आप IFS में कांटेक्ट कर सकते हो। एक तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, नहीं तो इस नंबर पे, इस दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो फॉर एनी क्वेरीज, या इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो, हम आपको सारे सॉल्यूशन, मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसके सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच।